Welcome to Classic Digital Education. Classic Digital Education में आप सभी का स्वागत है. छात्रों, अभी तक हमने भाग 8 तक सुजान भगत इस कहानी के जो सारांश, शब्दार्थ और सविस्तार रूप से विवरण देख चुके हैं. आज भी सुजान भगत इस पाठ, इस कहानी के जो लेखक हैं प्रेमचंद, उनसे रचित सुजान भगत का अगला भाग, 9वां भाग देखेंगे. इसमें सुजान भगत किस तरह परिश्रम करके खोया हुआ जो अधिकार है उसे वापस कैसे प्राप्त करता है देखेंगे. डियर फ्रेंड्स, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, छात्रों से शेयर कीजिए. लाइक, कमेंट्स करते रहिए. कमेंट्स के अनुसार नए नए वीडियोज़ बनाएंगे. ज़रूर कमेंट्स डालिए. कमेंट्स के अनुसार हम कुछ चेंजेस करके, मॉडिफिकेशन करके आपको बता सकते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार बना सकते हैं. चलो शुरू करते हैं छात्रों. सुजान भगत इस भाग का जो अगला भाग है, लेखक तो आप जानते हैं प्रेमचंद है. छात्रों, इससे, इस पाठ से कम 5 अंकों का क्वेश्चन ज़रूर फाइनल एग्ज़ाम में आता है, और चाहे वो MCQs में हो सकता है, और क्वेश्चन आंसर्स, 1 मार्क क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स और शॉर्ट आंसर्स में भी हो सकता है. ससंदर्भ में हमेशा पूछते हैं किसने किससे कहा, इसमें पूछते हैं. इसलिए ज़रूर पाठ को ध्यान से सुनना और वीडियो को अंत तक देखना चाहिए. चलो शुरू करते हैं छात्रों. सुजान भगत अपने ही घर में किस तरह अनादर होता है. आप सब जानते हैं सुजान भगत गया यात्रा करने के बाद किस तरह संतों जैसे बन जाता है, और वह सब लोगों को बहुत ही प्यार से अच्छाई के मार्ग में जाना चाहता है. झूठ तो वो नहीं बोलता है, और सबसे यानी सभी गांव में लोग उसे बहुत इज्जत और प्रशंसा करने लगे थे. लेकिन खुद के घर में सुजान भगत धीरे 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 अपना अधिकार खोने लगता है, और जो पत्नी है बुला की और बड़ा बेटा भोला, दोनों भिक्षुक के सामने सुजान भगत का अनादर करते हैं. और इस अपमान को न सहते हुए वो क्या करता है, पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है, और वहीं सोचने लगता है कि उसे बच्चों से ज़्यादा पत्नी पर गुस्सा होने लगा था, क्योंकि ये शादी होने के बाद, बच्चे से पहले मैंने इसे कितने अच्छे से घर गृहस्थी जोड़कर इसके हाथ में दे दिया. अब उनके हाथ में पैसा, धन संपत्ति जमा हो गया, और अब बच्चों से मिली हुई है, और इसको तो पता होना चाहिए कि मैंने इसे कैसे प्यार से पाला है, एक दिन भी कड़ी नज़र से भी नहीं देखा है. गांव में ऐसे कोई भी औरत नहीं है, वो अभी तक एक भी मार न खाई हो अपने पति से. इस तरह मैंने अपने पत्नी को फूल की झड़ी से भी नहीं छुआ, और ऐसे पति से इस तरह दुर्गति होते हुए भी देखकर बैठ गई है, इस तरह सोचने लगता है. और तभी शाम हो जाता है. शाम के बाद जब भोला उसे बुलाने आता है तो न जाता है. तब फिर माँ आती है, बुला की पत्नी बुलाने आती है, तो वह पत्नी से झगड़ा करने लगता है कि बच्चे मेरे नहीं हैं, तुम्हारे हैं, क्योंकि अगर मेरे बच्चे होते तो ऐसे संस्कार नहीं है, नहीं रहता है, सॉरी संस्कार रहता था, मुझे इस तरह की जो दुर्गति न आती थी. इस तरह वह पत्नी से झगड़ा करने लगता है. तब क्या कहती है बुला कि झगड़ा करना है तो मुझे भी आता है, नारी का धर्म ही है ना, 2-4 थप्पड़ मारो और गालियां दो, झगड़ा करो, लेकिन मैं तो बहुत ही सद्गुण संपन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अभी तक टिकी रही थी, और कोई और औरत होती तो तुम्हारे साथ घर गृहस्थी में एक दिन भी नहीं रहती.
और अब हम बूढ़े हो गए हैं, बच्चों को अधिकार दे देना चाहिए। ऐसे कहकर वो कहती है, मैं तो समझ चुकी हूँ इस बात को, तुम्हें क्या अधिकार के पड़ी है, बच्चों को दे देना चाहिए और अब उन्हीं का अधिकार होता है, उनके पीछे हमें उनको सावधानी देना चाहिए और उनके उनको अधिकार दे देना चाहिए, हम लोग सिर्फ भजन भाव करके रहना चाहिए, बूढ़े हो गए हैं और ये तो समझ लो, जितना जल्दी समझ सकोगे अच्छा है, नहीं तो तुम जो चाहते हो वैसे ही करो, ऐसे बोल के चली जाती है। तब क्या होता है अब देखेंगे, ठीक है। अब वह पेड़ के नीचे जाके बैठा था ना, वहीं खाना पीना कुछ नहीं किया, वहीं बैठकर सोचने लगा, परिस्थिति में कितना उलट फेर हुआ है और अब इसकी उसे खबर ही नहीं थी, और लड़के उनकी सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, ऐसे भ्रम में वह बैठा था, लेकिन ऐसे नहीं हुआ, अब उसको गृहस्वामी बनना है और यही प्रमाण नहीं है कि जैसे खाट में नहीं बैठते हैं और लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते हैं, ये उसका प्रमाण नहीं होता है, इसलिए उसे उसके स्वामित्व का प्रमाण चाहिए, इसलिए वो घर में फिर भी अपना राज्य करना चाहता है, उसी घर में खुद के घर में पराधीन बनकर वह नहीं रहना चाहता है, उसे क्या नहीं चाहिए, श्रद्धा की चाह नहीं है, सेवा की भूख नहीं है, उसे क्या चाहिए, अधिकार चाहिए, अधिकार के लिए वो अब सोचने लगता है, मंदिर का पुजारी बनकर रहना उसे अच्छा नहीं लगता है, उसे नहीं चाहिए, और न जाने कितनी रात बाकी थी पता नहीं, सुजान तो बहुत ही जल्दी उठकर गणासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। बैलों का चारा काटना इतना आसान नहीं होता है, दिन भर भी काटेंगे तो बहुत कम हमें मिलता है, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है, और सारा गांव जानता है कि जब जो सुजान यौवन में था, युवक था, तब वह इतना परिश्रम करता था कि अब के जो दो बच्चे शंकर और भोला दोनों मिलकर भी जो इतना काटा चारा काट नहीं पाते हैं और इतना पूरा नहीं पड़ता है, और सुजान भगत खुद जाके इतना परिश्रम करता था, एक ही व्यक्ति दोनों का काम जैसे बराबर करता था, और उसे आज दिखाना है इन बच्चों को कि कैसे काम किया जाता है, चारा कैसे काटना चाहिए, उसे दिखाना चाहता है, और उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया, और टुकड़े कितने महीने, जैसे कि इतने दिनों के लिए जो इकट्ठा होना चाहिए उतना एक दिन एक रात में उसने काट के ढाले, जैसे कि सांचे में ढाले गए हो, ऐसा लगता है, इतना जो कटिया का पहाड़ खड़ा कर दिया, और सुबह होते ही क्या होता है देखेंगे, कंटिन्यूड है। देखिए, मुंह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देखकर रेंगर ढंगर रह गई, बोली, क्या भोला, आज रात भर कटिया ही काटता रह गया, कितना कहा कि बेटा जी से जवा जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं, सुजान भगत ने ताने से कहा, वो सोता ही कब है, जब देखता हूं तब काम ही करता रहता है, ऐसा कमाऊ संसार में और कौन होगा। इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला, उससे भी ढेर देखकर आश्चर्य हुआ, माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था, अम्मा बुला के, वो तो पड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटे होगे, भोला, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता, दिन भर चाहे जितना काम कर लो पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता, बुला के, तो क्या मेरे सॉरी तुम्हारे दादा ने काटी है ना, सी मुंह अंधेरे मतलब जल्दी सुबह जल्दी बुला के उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई, दंग रह जाना यानी क्या है, हैरान होना,
आश्चर्य होना या चकित होना। कितना पर्याय अर्थ है देखिए, इसलिए उनकी सभी जो साहित्यों में इस तरह के जो विशेषता हम देख सकते हैं। बोली, क्या क्या भोला, भोला काट के रखा है, ऐसे समझ के वो बहुत चकित होके पूछ रही है बेटे से। कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, जी से जहान मतलब हेल्थ इज वेल्थ, है ना, जी है तो जहान है, इसलिए तुम्हें इतने देर रात तक काम नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इसे कितनी बार कहा है, और रात भर तक कटिया ही काटता रह गया क्या, इस तरह कहती है। अब सुजान भगत वहीं बैठा हुआ है, सुन के ताना मार रहा है, व्यंग्य करता है, वो सोता ही कब है, जब देखता हूँ तब काम ही करता रहता है, ऐसा कमाओ करने वाला हमारे जो इस संसार में और कौन हो सकता है, केवल भोला ही है, मतलब इतना परिश्रम करता है, ऐसे व्यंग्य करने लगता है, और इतना परिश्रम करके वो कमाने वाला है हमारे घर में, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं, संसार में भी कोई और नहीं, ऐसे ताना मारता है। तभी इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकलता है, उसे भी ढेर देखकर आश्चर्य हुआ, वो भी दंग रह गया, और माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था क्या, इतनी जल्दी उठ के उसने सब कुछ कर दिया क्या, ऐसा समझता है। कहीं भी उसे सुजान भगत के बारे में याद नहीं आई, नहीं लगा, बुला के, वो तो सो रहा है, मैंने तो समझा कि तुमने काटी होगी, लेकिन भोला कहता है, मैं सवेरे इतने जल्दी उठ नहीं पाता है, तुम्हें पता है, दिन भर चाहे कितना भी काम करना है और कर सकता हूँ, लेकिन रात को तो मैं उठा नहीं जाता हूँ, और इस तरह कहता है। बुला के कहते हैं, हाँ शायद, क्या तुम्हारे दादा ने काटी है, क्वेश्चन मार्क में है। अब भोला प्रायश्चित में प्रायश्चित करने, मतलब वो पश्चाताप करने लगा है कि उसकी गलती थी ना, कल भिक्षुक के सामने उसे अपमानित किया था, इस तरह, क्या तुम्हारे दादा ने काटी है। हाँ, मालूम तो होता है, रात भर सोए नहीं, माँ पिता से एक बार पिता के चेहरे को देखता है और बोलता है कि हाँ शायद रात भर तक सोए नहीं है, मुझसे कल बड़ी भूल हुई, अभी उसे क्या है जो कल उसने जो गलती की है उस पर उसे पश्चाताप होने लगा है, गलत बात कह दिया, ऐसे नहीं कहना चाहिए था, बड़ों से सब नहीं करना चाहिए था, इस तरह अब उसे लग रहा है। अरे वो तो हल लेकर जा रहे हैं, जाने दो, जान देने पर उतारे हो गए हैं क्या, माँ से कहता है कि अब मेरे से कल बड़ी भूल हुई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और वो तो हल लेकर जा रहे हैं, देखिए वही, क्या तुम्हारे दादा ने काटी है क्या, इस तरह बोलते बोलते सुजान भगत वहीं से उठ के खेत में चला जाता है। जाने से जाते जाते वो यह भोला माँ से कहता है, तो बुला के कहते, क्रोधी तो सदा के हैं, हमेशा गुस्सा करते हैं, और अब किसी के सुनेंगे थोड़े भी, और उसने कल उसे जाके बुलाई थी राइट, खाना खाने के लिए आओ इस तरह बुलाई, फिर भी वो नहीं आया ना। भोला, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं, और ये इसको भी क्या है, बड़े जा रहे हैं, इसका मतलब छोटे भी, छोटों को भी जाना चाहिए ना, इसलिए वो शंकर को जागने के लिए कहता है, और जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर हल लेकर वो भी चला जाता है। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया, सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ना पड़ी, हिम्मत यानी साहस। जब अन्य कृषकों के साथ वो भोला खेत में जाता है तो तब आधा खेत वो जोत चुके थे, कौन, सुजान, पहले ही गया था ना भोला। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया क्योंकि उसे पता है कल उनसे बहुत ही बड़ी हुई भूल हुई है, और उसके सामने शर्मिंदा कर रहा है, इसलिए वो
कुछ भी बात नहीं करा है, चुपके से काम कर शुरू कर चुका है और साहस नहीं करता है उसके सामने। अब अगर कुछ और बोल दिया सुजान उसके मुंह से, बहुत गलत होता है ऐसे। वो सोच के क्या करता है, चुप रहता है। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मग्न है। भोला थक गया है, उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दें, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। सबको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते 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 बोला, दादा अब तो दोपहर हो गया, हल खोल दे ना। सुजान, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। भोला, मैं संझा को डांड फेंक दूंगा, संझा को यानी शाम को, ठीक है। सुजान, तुम क्या फेंक दोगे, देखते नहीं हो खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीज बीच में पानी जम जाता है। इसी गोइंट के खेत में 20 मन का भीगा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। अब वो क्या कहता है, फिर भी दोपहर होने के बाद भी वो क्या है, हल छोड़कर सब लोग चले जाते हैं, लेकिन सुजान भगत अपने ही काम में व्यस्त है। और भोला थक गया है, एक जगह खड़ा हो गया है और सोच रहा है, बैठकर सोचने लगा है कि बार बार उसकी इच्छा होती है कि बैलों को खोल दें। उसकी बार बार इच्छा होती थी कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे वो कुछ नहीं कहता है। सबको आश्चर्य होने लगा है, सभी सभी जो किसान आए हुए हैं ना, उनको ऐसा लगने लगा दादा कैसे मेहनत, इतने उम्र में भी कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं ऐसे। सब लोग हैरान हो गए हैं। और आखिर डरते डरते दादा से कह दिया कि दोपहर हो गया है, हल खोल दे क्या। सुजान ने कहा कि हाँ खोल दो, बैलों को लेकर तुम चलो, मैं डांट फेंक कर आता हूँ। जैसे कि खेत में बीज बोने का जो समय रहता है उसमें व्यस्त रहना ही चाहिए, अगर समय चला जाता है तो वो खेत कैसे कटोरे की तरह गहरा हो जाता है, तब बीज बोना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बीच में जो पानी जम जाता है, तुरंत तुरंत एक के बाद एक काम करना चाहिए। खेत जोतने के बाद तुरंत बीज को बो देना चाहिए। इसी तरह गोइड के खेत में 20 मन का जो भीगा होता था, तुम लोगों से ये सत्यानाश हो गया है, बहुत कम हम फसल उगा रहे हैं, ऐसे बोलता है। नेक्स्ट क्या है देखें, नेक्स्ट पेज में बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डांट फेंकते रहे। आधा घंटे के बाद डांट फेंक कर वह घर आए, मगर थकान का नाम न था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया, उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूंछ सहलाई, बैलों की पूंछें खड़ी थीं। सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अखतनीय सुख मिल रहा था, किन्हें बैलों को। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ था, उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वे कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ दिन रात काम करने को तैयार हैं। अन्य कृषकों की भांति भोला अभी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चले। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। तो अब क्या है, इतना अपमान कर चुका है भोला, इसलिए उसे डर है, पिता के सामने शर्मिंदा कर रहा है। अब क्या होता है देखिए, बैलों को लेकर भोला घर पहुंचता है, डांट फेंक कर घर आकर सुजान भगत नहा खाकर आराम ना लेता है, थकान का नाम ही नहीं है, बैलों को सहलाना शुरू करता है। बैलों के साथ वो जब पीठ पर हाथ फेरता है, पैर मलता है, तब क्या है, बैलों की पूंछें खड़ी होती है और सुजान की गोद में वो अपने सिर रखकर अकथनीय, अकथनीय मतलब उसे
हम कह नहीं सकते हैं, कथा में व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसा सुख उन्हें मिल रहा था। और यह क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में और 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए हमेशा पूछते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है छात्रों, और वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन किया है, ध्यान से देखिए। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें ये आनंद प्राप्त हुआ था, इसलिए वो क्या है, बहुत ही खुशी से सोच रहे थे, कह रहे मन ही मन, मानो अगर वे बात करते हैं तो कह देते जरूर तुम्हारे साथ दिन रात काम करने के लिए तैयार है। आंखों में इतना इतनी कृतज्ञता भरी देख रहे थे। और अब क्या है, अन्य कृषकों के तरह अभी बोला, कमर सीधी करके खेत में जाने के लिए तैयार कर रहा था। तभी सुजान भगत दोनों बैलों को लेके चले गए, और बैल ऐसे चले थे कि दौड़े चले जाते थे, उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी, ऐसे जा रहे थे। नेक्स्ट, भोला क्या करता है देखिए। भोला ने मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ ना सका, उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी इतना परिश्रम न किया था, उसे बनी बनाई गृहस्थी, गृहस्थी यानी गृहस्थी, ठीक है, यहाँ लिखूंगा गृहस्थी, ठीक है। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं, हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है, जवान आदमी कैसे अपने आप को, अपने को वहां जाने से रोकेगा। किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना हो रहा है, जवान आदमी क्यों उसके आनंद से वंचित रह सकता है। वृद्धजनों के लिए, वृद्धजन यानी बूढ़े लोग, बाधाएं नहीं, उन्हें न नाच गाने से मतलब, न खेल तमाशे से गरज, केवल अपने काम से काम है। अब वह कमर तो सीधी कर रहा था, तभी हल लेके पिता को जाने जाते हुए देखा, फिर भी उसे उठा नहीं सका, उठ नहीं सका, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है। और इतना परिश्रम एक दिन में कभी नहीं किया था उसे। हम लोगों ने सुना है कि अभी तक जो भोला अपने पिता के सामने भिक्षुक सॉरी पिता से भिक्षुक के सामने कितना अपमान किया था ना, वो तो किसी कारणवश, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब उसे क्या चाहिए, अधिकार नहीं चाहिए, और क्योंकि अधिकार पाना चाहते हैं तो जिम्मेदारी ज्यादा रहती है, राइट। तो अब उसे क्या है, बनी बनाई गृहस्थी तो मिल गई थी, इसलिए वो क्या कर रहा था, उसे जोंका त्यों चला रहा था। अब उसे ऐसा लगने लगा है कि हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के, पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है तो उसे जाने उसमें जाने के लिए, और गांव में बारात आई है तो नाच गाना करने के लिए समय ही नहीं मिलता है, और जवान आदमी को इन सब बातों में आनंद मिलता है, राइट। इससे वंचित रहना नहीं चाहता है। और वृद्धजनों के लिए क्या होता है, कोई बाधाएं नहीं, नाच गाने से मतलब नहीं, खेल तमाशे से अच्छा नहीं लगता है कि अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं, और इसे बूढ़े लोगों की तरह रहना पसंद नहीं है। जब जवानी में जिम्मेदारी होती है तब हंसने बोलने, गाने बजाने, इन सब विचारों में से दूर रहते हैं, इसीलिए उसे इससे दूर भागना नहीं है, इन मौज मस्ती और खुशी से आनंद लेना चाहता है। नेक्स्ट, बुला के ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए। भोला, जाने दो अम्मा, मुझसे यह नहीं हो सकता। अभी तक हमने सुना पढ़ा है कि सुजान भगत धीरे 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 अपने ही घर में अनादर हुआ करता है, और उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि इन बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चों के सामने अपमानित होकर उसे ऐसा लगता है कि इतने सालों का जो मेहनत है, घर गृहस्थी मैंने ही बनाया है, कानून से भी मेरा ही हक है, फिर भी इन बच्चों को दिखाना चाहता है, तो एक ही दिन में इतना परिश्रम करके जो भोला अपमानित किया था उसे भी पश्चाताप होने जैसे लगता है, और
बुला के क्या कहते हैं, दादा हल लेकर गए हैं, तुम भी जाओ, ऐसे कहते हैं। तो जाने दो, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि वो एक दिन में इतना परिश्रम नहीं करना चाहता है। खोया हुआ अधिकार धीरे 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 वह प्राप्त कर लेता है। कौन? सुजान भगत। और आगे लास्ट एपिसोड में हम देखेंगे सुजान भगत इस नवीन उत्साह में किस तरह अपने गांव वालों से, अपने जो भाट भिक्षुकों के सामने किस तरह खोया हुआ अधिकार प्राप्त करके खुश रहता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद छात्रों। छात्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। छात्रों, अभी तक मेरा वीडियो देखा है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करते रहिए। और बच्चों, अगले वीडियो में हम आएंगे और उसमें सुजान भगत किस तरह खुश रहता है और प्रसन्न होता है परिश्रम करने के बाद, ये देखेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो भी पढ़ाया है संदर्भ में, किसने किससे कहा, और जो क्वेश्चन एंड आंसर्स, शब्दार्थ, इन सभी विचारों को अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।